गाइस, मैंने जब जब यहाँ पे लिटरली में भाई लकड़ी बेचने का काम किया है, मेरा काम हमेशा बिगड़ा है। बट आज कोई भी रुकावट मुझे रोकने नहीं वाली है, इसलिए मैं डायरेक्ट जाऊँगा मार्केट में और इन सारी लकड़ियों को बेच के घर पहुँचाऊँगा। बहुत मेहनत से मैंने लिटरली में भाई इन सारी लकड़ियों को, ओ माय गॉड, अरे भैया इसके पीछे छुप जाता हूँ। गाइस, आप सभी को दिखा मेरे पीछे तीन तीन टाइगर है लिटरली में भाई, 1 2 3, ओ माय गॉड, ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं क्या यार? ये तो इंसानों की तरफ बात भी नहीं करते कि मैं इनसे थोड़ी बहुत अपनी मजबूरी दिखाकर चला जाऊं, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। क्या करूं क्या करूं गाइस, अगर मैं लकड़ियां लेकर भागा तो ज्यादा तेज भाग नहीं पाऊंगा, मुझे लकड़ियां छोड़ के जानी होंगी। बट भाई मेरे 3 दिन की मेहनत, उसका क्या क्या करूं, इधर से चुपचाप निकल लेता हूं। ओ भाई साहब देख लिया, ओ देख लिया, ओ भागो ओ भागो, भैया मेरी तरफ आ रहे हैं ये तो। गाइस आप लोग प्लीज जल्दी वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब। ओ नो, पीछे पड़ गए। अरे यार तीन तीन पीछे पड़ गए, क्या करो, मुझे जल्दी से इनसे पीछे छुड़ाने के लिए आसपास कहीं छुपना पड़ेगा। अरे यार मेरी तो सांस फूलने लगी, एक मिनट कहाँ गए गए, ओ भाई साहब। वैसे तो गाइस टाइगर्स बहुत तेज होते हैं, पर पता नहीं कैसे बच गया मैं। खैर दोस्तों यार, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है मेरी सारी लकड़ियां, अब वापस जाऊंगा तो फिर से वो मुझे मिल जाएंगे। वैसे छोड़ो गाइस, मैं काम करता हूँ, सामने वाले जंगल में जाता हूँ और वहां पे कहीं सेफ जगह कोई सूखे पेड़ की लकड़ियां काट के बेच देता हूँ। थोड़ी बहुत लकड़ियां भी बेच दूंगा तो 3-4 दिन का खर्चा तो चली जाएगा घर का, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हाँ हल को बचाओ, ये हल कहाँ से आ गया जंगल में, ये सब क्या चल रहा है, हाँ हल को खा रहे हैं। व्हाट, तो भी सोचूं ये टाइगर्स इतने फास्ट होते हुए भी मुझे क्यों नहीं पकड़ पाए, क्योंकि इनको मुझसे भी बड़ा मुर्गा मिल गया, मतलब हल्क मिल गया भाई। ये तो हल्क को महीने भर खाएंगे लिटरली में, जितना बड़ा हल्क है। हल्क को बचा लो गाइस, अगर हल्क आज मारा तो हमारा एक अवेंजर्स कम हो जाएगा, मुझे हल्क को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन यार ये शेर है बिल्ली थोड़ी है, तो मैं इनको पत्थर मार के भगा दूं, बट मुझे तो करना पड़ेगा, क्या करूं आइडिया, पीछे से जाता हूं और भाई एक दो लात मार के देखता हूं उनमें, क्या पता भग जाएं। गाइस आप लोग प्लीज वीडियो लाइक कर दो, कहीं हल्क के साथ साथ मुझे भी लिटरली में भाई लपेटे में ना ले लें। वैसे गाइस मेरे को यहाँ पे एक डंडा मिल गया है, अब इनको बताता हूँ इस खतरनाक रॉड से। अबे तुम्हें तो मैं बताता हूँ, तेरी तो टाइगर के बच्चे, अरे बचा लो हल्क को। अरे यार ये तो हट ही नहीं रहे, अरे हल्क बचाओ, ये क्या हुआ भाई साहब, ये बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ से हो गया, ओह नो, हल्क का क्या हुआ होगा और वो टाइगर्स का क्या। अरे नहीं नहीं मैं नहीं चाहता था कि वो टाइगर्स मरे या फिर हल्क मरे, ये क्या हो गया गाइस, मैं तो यहाँ पर उनको बचाने गया था। नो नो गाइस मुझे तो देखना पड़ेगा, पता नहीं गाइस मैं उड़ के कहाँ यार लिटरली मैं भाई माउंट चिलियाड के पहाड़ों तक पहुँच गया हूँ, मुझे नीचे जाना पड़ेगा आराम आराम से, उसके बाद देखना पड़ेगा वहाँ पे हल्क और वो टाइगर्स ठीक तो है या फिर नहीं। ओ नो गाइस मेरे पास तो फोन भी नहीं है भाई, वरना मैं एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ पर, एक मिनट व्हाट, यहाँ पर तो सिर्फ ब्लड पड़ा है, मुझे लगता है जिस तरह से मैं हवा में उड़ा था हल्क और वो टाइगर्स भी हवा में उड़ के कहीं और पहुंच गए। बट बॉम्ब किसने लगाया था, पक्का गाइस कोई जंगल का शिकारी होगा जिसने उन बेचारे टाइगर्स को पकड़ने के लिए, पर बॉम्ब भाई बॉम्ब कौन लगाता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है। मुझे है ये क्या, अब गाइस ये क्या हो रहा है मेरे पीछे, यहाँ पर एक अजीब सा पोर्टल आ चुका है और ये बहुत जोर से ग्लो कर रहा है, एंड आई डोंट नो इसमें क्या हो रहा है। हाँ हल्क को बचाओ, हाँ हल्क, अरे बाप रे हल्क मर जाएगा, है हल्क की आवाज गाइस इसमें से आ रही है। अरे मुझे डर लग रहा है भाई, क्या चीज है वो, हेलो हल्क मेरे भाई तो ठीक तो है, अरे वाह हल्क के तो मजे आ गए, हल्क तो यहाँ पर जीत गया और हल्क सुपर ट्रेड मिलने आया। व्हाट, हल्क यहाँ पर सही सलामत है, एक चोट का भाई दाग नहीं है इसकी शरीर पर, मेरी हालत देखिए गाइस, और यहाँ पर इतना खुश क्यों है, उन टाइगर्स का क्या हुआ और ये ट्रेडमिल कहाँ से आया। हल्क का पूरा काम कंप्लीट हुआ, अब हल्क यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बॉस बनेगा। हल्क बॉस बनेगा दुनिया का, हल्क के पास है 2 चॉइस, या तो अपना साइज हल्क करेगा 7 लाख या करेगा 5000 करोड़, भागो 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 हल्क को देख के भागो भागो भागो। वाह ओ भाई साहब गाइस आप देख लीजिए ये हल्क कैसे अपना साइज बढ़ा रहा है, लिटरली ओ माय गॉड, ये 7 लाख ईयर्स नहीं, ईयर्स नहीं साइज लिखा हुआ है, साइज का आर्केड गोल्डन आर्केड मैन बन गया है। हल्क और भागेगा, हल्क भागता रहेगा, हल्क हल्क से भागेगा ही, हल्क के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वाह हल्क तो बन गया है 5000 करोड़ साल का, साल नहीं यार मैं साल साल की बोल रहा हूँ, साइज का लिटरली मैं गोल्डन आर्केड मैन। गाइस गोल्डन आर्केड मैन नहीं, अब तो एक टाइटन आर्केड मैन है। गाइस हम ना हल्क के ट्रेंड में भागते हैं, जितनी हल्क ने यार मुसीबत उठाई है मैंने भी तो उठाई है, हल्क को मैं भी तो बचाने की कोशिश कर रहा था उन टाइगर से। तो चलो गाइस अपना हक भी यहाँ पर ले लेते हैं, भागो 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 भागो, मेरा साइज बढ़ रहा है क्या, अरे बढ़ रहा है गाइस साइज में, मतलब साइड में देखिए 0 से मैं 3000 जाने वाला हूँ, देखते हैं भाई मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा। अरे ये क्या गाइस, लुक एट मी, मैं तो एकदम चमचमाता
आइसक्रीम मैन बन गया भाई। कितनी टेस्टी लग रही है मेरी आइसक्रीम, खुद नहीं खा सकता मैं, खुद ही आइसक्रीम मैन हूँ। पॉट हम यहाँ पर सुपर जंप लगा सकते हैं, और गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज अब हमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। चलो और भागते हैं, क्या पता अब यहाँ पर हम जायंट आइसक्रीम मैन में जाए। तेरी इतनी हिम्मत, हल्की मेहनत पर तू हाथ साफ करता है। अरे अरे मेरा भी तो ये ट्रेडमिल, मैंने तेरी मेहनत की थी। तूने कौन सी मेहनत की, ऊपर से बॉम्ब फाड़ के हल्क को मारा, मैंने नहीं किया था वो। अब हल्क तुझे जाल में फंसा रहा है। तेरे पास तीन ऑप्शन है फ्रैंकलिन, एक सही रास्ता चूज कर और दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन आइसक्रीम मैन बन। गलत चूज किया तो मारा जाएगा। व्हाट, तो हल्क ने मुझे एक तरह की पजल दे दी है और यहाँ ये मुझे तीन रास्ते बता रहा है। तीन छोड़ो, मुझे एक रास्ता नहीं दिख रहा है। ये सामने क्या है ये? ओ भाई साहब, चारों तरफ से इसका मतलब इसने बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी हैं, और यहाँ पर कुछ खतरनाक आग, उसके सामने कंटेनर्स, और कंटेनर्स से कहीं आगे जाकर तीन, वन, ये देखिए डोर है एक, दूसरा डोर ये है और तीसरा डोर ये है। गाइस मुझे क्या लग रहा है, इन तीनों रास्तों में से कोई सही रास्ता है। ये हल्क यार लिटरली मैं टाइटन आर्केड मैन बन गया है, तो मेरे लिए गेम बना दिया इसने पूरा का पूरा, मुझे तो अपनी गेम में ही फंसा दिया है इसने। खैर छोड़ो गाइस, मुझे यहाँ पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और आप सभी का यहाँ पर लिटरली मैं भाई इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों हम सही रास्ता चुनेंगे। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था मैं आइसक्रीम मैन हूँ। मुझे ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं पिघल के भाई साहब पानी में बदल जाऊँगा और मर जाऊँगा। मुझे यहाँ पर थोड़ा बचना पड़ेगा यार आग से। ऑलराइट दोस्तों, मैं आगे आ चुका हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता चूज करें, मिडल, लाइट, राइट या फिर लेफ्ट। गाइस आप लोग प्लीज मेरी मदद करो, आइडिया आपने काम करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद हम यहां पर सही रास्ता चूज करेंगे। एक काम करते हैं गाइस, हम यहां पर ना तो बीच वाला रास्ता चूज करते हैं और ना ही करते हैं राइट वाला, हम करेंगे भाई लेफ्ट वाला रास्ता चूज। चलो गाइस ट्राई करते हैं, ये वाला रास्ता एकदम बिल्कुल लेफ्ट वाला है और ये किया हमने इसको चूज। चलो कहीं तो गया। ओ बॉय साहब, ये क्या, ये कहाँ पर आ गया मैं? अरे मैंने सही रास्ता चूज किया क्या? पता नहीं गाइस, बट मुझे नहीं पता। हाँ तो बच्चों, तुम का इससे साइज बढ़ानी होगी। अरे डॉक्टर मिक्सेट, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आई आप कौन हैं? अरे वाह, इतनी गर्मी में आइसक्रीम, मुझे खानी है। अरे मुझे खानी है आइसक्रीम। नहीं नहीं, मैं खाऊंगा आइसक्रीम, समझा? आई मैन व्हाट, यहाँ पर एक आई बेबी है, सिंचन और खास ब्लैक फ्रेंडली भी है। और बच्चे, यहाँ वही आता है जो अपना साइज बढ़ाना चाहता है, तू क्यों आया? अरे वाह, फिर तो मैंने सही रास्ता चूज किया गाइस, हम लोग भी यहाँ पे अपना साइज बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम चारों को अपना साइज बढ़ाना है, एक दूसरे से जीतना है, तो मेरी बातों पे चलनी होगी। अरे मैं तो जीत जाऊंगा, मैं जीतूंगा, हाँ मैं जीतूंगा, आई बेबी से भी जीतूंगा, ब्लैक फ्रेंडली भैया से भी, और आइसक्रीम बेबी से भी। अरे आइसक्रीम बेबी नहीं हूँ मैं। खैर छोड़ो, हाँ तो बच्चा लोग, ये खतरनाक कार्नेज तुम्हें खा सकता है। उसके बाद ये लावा हल्क बस्टर ने यहाँ पर वॉल की बॉल बना रखी है, बॉल की बॉल बना रखी है। बिल्कुल बच्चो, यहाँ पर कुछ गोल्डन रिवेंजर प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत स्पेशल तरीके के ट्रेडमिल को, उनको पीटा है उनसे बच्चों, और ट्रेडमिल से साइज बढ़ाओ। लेकिन बच्चा लोग, यहाँ पर तुम्हें गोल्ड मैन से लेकर रेड जायंट वैनम तक मिलेंगे, कुछ ब्लू रिवेंजर तो जाल के अंदर ही घुस गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमिल को। अरे भाई साहब, इनसे ट्रेडमिल कैसे छीनेंगे? और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तुम्हें लावा वैनम से बचते हुए सबसे फिनिश लाइन में पहुंचनी होगी। तीनों ट्रेडमिल एक बंदे ने ले लिया तो उसका साइज यहाँ पे 8 से 10 हज़ार करोड़ हो सकता है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा टाइटन ब्लैक फ्रैंकलिन या फिर टाइटन आइसक्रीम मैन या फिर आई मैन बन सकता है। मुझे ब्लैक फ्रैंकलिन नहीं बनना, मुझे तो स्पीकर मैन या फिर फोन मैन या कैमरा मैन बनना है। अरे आटा 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 आटा, सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। अच्छी बात है गाइस, ब्लैक फ्रैंकलिन को जाने देते हैं। अच्छा तो तूने सोचा मैं खतरों में फंसूंगा? अरे मैं तुम्हें खतरों में फंसाऊंगा, सुपर ब्लैक मैजिक पोर्टल। एक मिनट, ये क्या कर रहा है तू? अब इस पोर्टल में जो भी जाएगा वो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएगा। ब्लैक फ्रैंकलिन प्लीज, मेरे भाई, मेरे बिछड़े हुए भाई, ऐसा मत कर। अबे चल, कौन सा भाई, तेरी मेरी शक्ल मिलती है तो उसका क्या मतलब है? चलो 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 चलो, जल्दी आगे चलते हैं। गाइस ये तो गलती कर दी ब्लैक फ्रैंकलिन, आगे भेज कर लेट। लो अच्छा हुआ, और पेट भाई और पेट, ले मैं तुझे खा जाऊंगा। अबे ओए कार्नेज के बच्चे, यही वाह, बहन जी बच गई कार्नेज की, तू बहन जी बजा दी ब्लैक फ्रैंकलिन भैया की। अरे लेकिन मैं आगे कैसे जाऊं? अरे यार मुझे जंप लगानी चाहिए, फिर ही मैं आगे जा सकता हूं। गाइस सिंचन से तो कुछ ही नहीं होगा। अरे मैं आ गया हूं, मैं आई बीबी हूं। ओए सिंचन के बच्चे, चल हट यहां से, मैं आगे जाऊंगा, समझा? अभी ज्यादा मत बोल, हिम्मत है तो इस ब्लैक पोर्टल को उठा। अरे तुझे मैं मारूंगा। अच्छा तू मुझे मारेगा? गाइस ये बच्चे पागल हो गए, यहाँ पर मुसीबत को सॉल्व करने से पहले खुद ही को मुसीबत बना रहे और एक दूसरे को पीटे जा रहे हैं। इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला भाई, अब तो लिटरली मैं भाई मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे मैं करके दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर आई बेबी हूँ, मैं यहाँ पर हिप्नोटाइज कर दूंगा सिंचन के बच्चे को और इसकी बैंड में जाऊंगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, हाँ ये आई बेबी हिप्नोटाइज कर सकता है किसी को भी। मुझे गाइस इसकी आंखों में देखने से बचना होगा, अगर गलती से मैंने इसकी आंखों में देख लिया तो ये मुझे हिप्नोटाइज कर सकता है। ए हेलो बच्चों, तुम लोग? अरे हम क्यों होते, आप होते कौन है हमें जाने वाले? अभी बताता हूँ, सुपर आइसक्रीम फ्रीज मोड। कुछ नहीं, वाह सुपर आइसक्रीम फ्रीज मोड, वाह
गाइस हमने इस ब्लैक बॉटल को बर्फ में जमा दिया है क्योंकि मैं आइसक्रीम जाऊं तो किसी को भी ठंड में और या फिर बर्फ में जमा सकता हूं भाई, मजा ही आ गया। अरे वाह थैंक यू फ्रेंकी भैया, अब चलिए निकले यहाँ से। हैं अरे मैंने मदद की और मुझे ही मार रहे हो, मजा आ गया। ए आई बीबी चल तू भी पी, अरे तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं शिनचैन के बच्चे, चल तू मेरा क्या ही कर लेगा, मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ। एक आने के बच्चे हटो यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे ब्लैक फ्रेंकली समझ रखा है जो तुमसे पीटता रहूंगा मैं, चलो जल्दी चल जाओ। अरे यार शिनचैन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। चाहिए गाइस चलो, ये जो आइस बेबी है यहाँ पे बेहोश पड़ा है वरना लिटरली मैं भाई ये भी मुसीबत बन जाता मेरे लिए, जल्दी चलता हूँ। शिनचैन मैं आ रहा हूँ। ओ भाई साहब नहीं 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 नहीं, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लैक रिवेंजर हल्की आर्मी खड़ी है भाई। अरे यार ये बोर्ड कैसे टूट रहे हैं, मैं कैसे जाऊँ आगे। यार बॉल मैंने आगे कर दिया, अब ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, इस वाली बॉक्स में भी किक मारते हैं। नहीं नहीं यार सामने खड़ा है, किक मारूंगा तो गड़बड़ जाएगी, चुपचाप निकल लो। कौन है तू? ओ भाई साहब डरा दिया इसने मेरे को, अभी बताता हूँ ले और मारूंगा तुझे। ये ले। अरे शिनचैन को तो नहीं पकड़ा, मेरे को वहां से पकड़ लिया। गाइस वो छोटा बच्चा होने का फायदा उठा रहा है भाई, वो कैसे आगे निकल गया समझ नहीं आ रहा है। वो आगे निकला भी है नहीं, आसपास तो नहीं पड़ा मेरे। खैर छोड़ो, मेरे पास एक और बढ़िया तरीका है। इन लोगों को भाई भाई किसी को भी हो जिसको गर्मी लगती है उसको आइसक्रीम खाना नहीं पसंद क्या? सबको पसंद है। गाइस आप लोग एक बार एटी गेमर ओपी लिखो, आपको भी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम दूंगा मैं। जल्दी 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 लिखो एटी गेमर ओपी, बाकी सुपर जायंट आइसक्रीम मैंने यहाँ पे स्पॉन कर दिया भाई, टेस्टी टेस्टी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिसको भी आइसक्रीम खानी है भाई। अरे वाह ये तो मिलाई वाली आइसक्रीम है, मजा आ जाएगा। हाँ खाओ खाओ मलाई वाली आइसक्रीम खाओ, नम 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 नम। ओए मजे आ गए, इतनी गर्मी में आइसक्रीम क्या बात है। गाइस अब भी ये सब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, अब मेरी रुकावट तो ये लोग नहीं बनने वाले। अब एक काम करते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के इन सभी को फ्रीज कर देते हैं। मैंने अपने आइसक्रीम से इन सबको बर्फ में जमा दिया, धोखा। अरे हमें ही आइस बना दिया आइसक्रीम के चक्कर में, छोड़ेंगे नहीं तुझे आइसक्रीम मैन, बर्बाद कर देंगे। लेट्स गो गाइस अब आगे जाते हैं, बस अब हमें शिनचैन से और बचना है, और सामने खड़ा ये जो लावा हल्क बच रहा है भाई, इसकी बॉल वाली वॉल से भी बचना है। कितनी खतरनाक बॉल वाली वॉल है। अरे ये तो बहुत आसान था, इसको तो मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। अबे किसने मेरी बॉल वाली वॉल को तोड़ा, उसको छोड़ूंगा नहीं। गाइस लावा हल्क बच रहा है, मुझे देखना ले भाई, चलो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। ओके गाइस मैं, ये क्या आइसक्रीम मैन के बच्चे, तूने मुझे बचाया नहीं था, ये ले मैं तुझे मार दूंगा। अरे बाप रे, नहीं नहीं मेरी आंखों में देख। नहीं नहीं आंखों में नहीं देखूंगा, आंखों में नहीं देखूंगा, ले देख लिया तो गया। ओ भाई साहब मुझे खा गया, बचाओ शिनचैन। ओ नो ये मेरे को मार दिया, खा गया मेरे को। अरे बाप रे ये हट जा मुझसे दूर है। शिनचैन उसकी आंखों में मत देखो ना, तेरे को भी खा जाएगा। एक मिनट, अगर ये मुझे खा चुका है तो मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं बातें कैसे कर रहा हूँ? मुझे लगता है गाइस ये कुछ हिप्नोटाइज किया है उसने मेरे को आंखों में देख के, मैं पक्का जिंदा हूँ। ए चल अब तू चुपचाप हिप्नोटाइज रहे, अब भी बताता हूँ तुझे। गाइस अभी मैंने आंखें बंद कर ली अभी इसकी, ये रहा सामने ही होगा, वो ऐसी लात मारूंगा कि ये ले बेटा। अरे बाप रे ये क्या, मेरा प्लान खराब हो गया। भाई साहब अगर मैं रियलाइज नहीं करता कि लिटरली मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ, उसने मेरे को खाया नहीं है, तो मैं तो मरी जाता डर से। ले लो भाई शिनचैन तो भाई बेहोशी हो गया है। खैर छोड़ो शिनचैन को पड़े रहते ऐसे ही। ओ माय गॉड क्या करूं इनका। ये लो बेटा तुमको सुपर आइसक्रीम फ्रीज मोड से यहाँ पे फ्रीज कर डालता हूँ। अबा क्या कर दिया बच्चा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, निकलो सबके सब। ऑलराइट गाइस और पहला ट्रेडमिल हमारा होगा, और यहाँ पर मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे बेस्ट और जायंट आइसक्रीम मैन। चलो जल्दी जाल के हटा देते हैं और यहाँ पर अपना साइज बढ़ाते हैं। ऑलराइट गाइस अब ये ट्रेडमिल हमारा है भाई साहब, पहला ट्रेडमिल इतना स्पेशल होगा। अभी बताता हूँ तेरे को मैं, अबे ये अच्छी बात है, इसको बेहोश पड़े रहने देते हैं। अभी बताता हूँ तेरे को मैं फ्रैंकलिन के बच्चे। अबे तू कहाँ से आ गया भाई, तुझे तो कार्नेज ने मार दिया था। मैंने बोला था ना मैं ब्लैक पोर्टल का इस्तेमाल करके तुझे कहीं और भेज दूंगा, अब भाई ऊपर वाले के पास मजे कर, बाकी मैं ट्रेडमिल से साइज बढ़ाता हूँ। नहीं तुझे छोड़ूंगा नहीं ब्लैक फ्रैंकलिन के बच्चे। ओए भागो 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 भागो, ओए और तेजी भागो भागो, ओए मुझे स्पीकर मैन या जायंट और यहाँ पर फोन मैन बना दो, और यहाँ पर टीवी मैन बना दो, कुछ भी बना दो, मजा ही आ जाएगा। अरे वाह मैं तो यहाँ पर रेड एंड ब्लैक टेनिस रैकेट मैन बन गया, वो भी जायंट 60,000 साइज का। ओए मजा आ गया, बल्ले बल्ले। अरे यार और साइज नहीं बढ़ रहा, कोई नहीं अब जल्दी से आगे जाता हूँ और बाकी के ट्रेडमिल से अपना साइज बढ़ाता हूँ। ये कहाँ पर भेज दिया उसने मुझे, कोई है बचाओ। यहाँ क्या कर रहा है? अरे मून गॉड जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे ये मेरी दुनिया है। एक मिनट मैं चांद पे आ चुका हूँ क्या? बिल्कुल, तू यहाँ मेरी बिना इजाजत के आएगा? रुक अभी तीन स्पेसशिप को ब्लास्ट किया है, तुझे भी ब्लास्ट करता हूँ। व्हाट इसका मतलब गाइस, तभी हमारे जो चांद के मिशन है वो ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाते क्योंकि ये मून गॉड का बच्चा यहाँ पर सब कुछ फेल कर देता है। कोई नहीं बेटा एक बार मैं टाइटन आइस पूरी बात खत्म होने से पहले ही मार दूंगा तुझे। मुझे प्लीज मेरे वर्ल्ड में वापस भेज दे, मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का। यहाँ पर आदम ना आदम जात मैं करूंगा क्या यहाँ पे? निकल जा यहाँ से, मेरे वर्ल्ड से बुराई करता है मेरे वर्ल्ड की, निकल जा। ओ माय गॉड शुक्र है उस मून गॉड ने मेरे को भेज दिया वापस।
गाइस बहुत बुरी खबर है यार, ब्लैक फ्रैंकलिन ने हमारा पक्का पहला वाला ट्रेडमिल इस्तेमाल कर लिया होगा, मुझे पता है। मुझे नहीं पता वो क्या बना होगा, बट ये दूसरा ट्रेडमिल मेरा होने वाला है। सिंचन यहाँ खड़ा होकर करके आ रहा है, प्लीज दे दो मुझे ट्रेडमिल। अबे बकवास बंद कर। ओए फ्रैंकलिन मैं आया हूँ तेरे पीछे। व्हाट, ब्लैक फ्रैंकलिन ने क्या गाइस वो पीछे जो है? आप लोग यस करके कमेंट में बताओ मुझे, ताकि मैं सिंचन को यहाँ पे बर्फ में जमा लेता हूँ। सुपर आइस फ्रीज। अरे मुझे बर्फ में जमा लो। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जिसको देखो गन गन मार रहे हो मेरे पे। अब ओए बच्चे रहा मार दे रहा बच्चे ने। मैंने पहले ही कहा था मुझे ये वाला ट्रेडमिल दे दो, वरना पीटूंगा। अब माने नहीं तो ट्रेडमिल मेरा हुआ। सिंचन भाई, सिंचन प्लीज और एक ट्रेडमिल तो लेने दे। कुछ नहीं ले लूंगा, लास्ट वाला भी मैं लूंगा। तीनों ट्रेडमिल मेरे होने चाहिए थे। अब देखिए मैं कैसे बड़ा होता जा रहा हूँ। सिंचन सुन तो। व्हाट, अरे यार सिंचन तो यहाँ पर गोल्डन नाइफ मैन बन गया, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। ये सब के सब यहाँ पर मेरे को पीछे छोड़ देंगे इस तरह से तो। मजा ही आ गया संगी भैया, चलिए अब चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। नहीं अब कुछ नहीं होने वाला, देख मैं लास्ट वाला ट्रेडमिल लेके रहूंगा। आपको ऐसी जगह फेंकूंगा इस बार की वापिस नहीं आ पाओगे। 1 2 और ये चिड़ी। व्हाट, अरे सिंचन पागल है क्या, इसने मुझे फिनिश लाइन पे भेज दिया। अब ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये लास्ट वाला ट्रेडमिल लिटरली में भाई ऐसे ही खो देंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक तो मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा आइसक्रीम मैन बन चुका होगा। भागो 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 भाई साहब, फिनिश वाला है ये, फिनिश लाइन वाला ट्रेडमिल मतलब पक्का स्पेशल है। भागते रहेंगे तो यहाँ पर पक्का साइज बढ़ाएगा मेरा, कुछ भी हो जाए चाहे। भागो भागो भागो। वाह क्या बात है, क्या बात है गाइस, मैं सच में यहाँ पर जायंट आइसक्रीम मैन बन गया। वैसे मैं यहाँ पर और ज्यादा भागने की कोशिश कर रहा था, बट लगता है एक ही बार साइज बढ़ा सकते हैं हम अपना। बट गाइस क्या मैं हवा में उड़ सकता हूँ, क्या मैं ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता हूँ? अरे बिल्कुल, इतना ही नहीं मेरे पास सुपर फास्ट आइसक्रीम रोटेशन मोड आ चुका है। इसके इस्तेमाल से मैं आसपास के जितने भी मेरे दुश्मन हैं उन सबको ब्लास्ट करके भगा सकूं। वाह मतलब मैं जितनी तेजी से घूमूंगा इतनी एनर्जी मेरे अंदर आएगी और मैं सुपर आइसक्रीम एक्सप्लोजन ब्लास्ट कर सकता हूं, जिससे सबकी बैंड बजा सकता हूं। लेट्स गो गाइस, चलो डॉक्टर मिक्सेट के पास चलते हैं। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे, सिंचन भी जीता और ब्लैक फ्रैंकलिन भी, लेकिन सबसे बड़ा तो यहाँ पर सबसे बढ़िया ब्लैक फ्रैंकलिन ही है और फ्रैंकलिन उससे छोटा है। अरे यार पता नहीं गाइस ब्लैक फ्रैंकलिन मुझसे बड़ा कैसे हो गया। कोई बात नहीं, आगे मैं बढ़ाऊंगा। फिलहाल तो बच्चों हमारी दुनिया का जो सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हुआ पड़ा है। जितने भी एरोप्लेन है सब बर्बाद हो गए, सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ है इस एक्स मैन की वजह से। इसने सब पे अपनी कुल्हाड़ी मार मार के पेड़ों की तरह इन सारे एयरप्लेन को काट दिया है और इसने अपनी पूरी आर्मी को भी बढ़ा लिया है, क्योंकि अब इसके पास काफी ज्यादा बेस्ट ट्रेडमिल जो है। व्हाट, अगर इसकी ट्रेडमिल को तुम अपना साइज बढ़ाओगे इसकी ताकत कम हो जाएगी, इसकी आर्मी को हरा पाओगे। किस बात का क्या कर रहे हो बच्चों, जल्दी जाओ और दुनिया को दिखाओ कौन यहाँ पर बेस्ट है। बेस्ट तो सबसे ज्यादा मैं ही हूं, इसलिए सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। अरे ओए चुप है, सबसे पहले मैं जाऊंगा ही, मैं एकदम जायंट नहीं वेरी जायंट रैकेट मैन हूं। गाइस इसके पीछे से देख रहे हो कैसे भाई बूस्टर निकल रहे हैं इसकी मदद कर रहे हैं। और अब बॉस की कार मार दिया ही, मैं अपने बल्ले से यहाँ पर सबकी बल्ले बल्ले कर सकता हूँ। ये लो मेरे बल्ले का सुपर लेजर अटैक। ओ भाई साहब, आपने कभी किसी टेनिस रैकेट मैन को ऐसी पावर यूज करते हुए देखा है भाई? यार लिटरली मैं ब्लैक फ्रैंकलिन तो बहुत ही ऑसम चीजें कर रहा है। फ्रैंकलिन तू तो मेरा फैन ही बन जाएगा। अबे रुक एक बार साइज से बढ़ाऊ। नहीं साइज तो मैं नहीं बढ़ने दूंगा भाई तेरा, कुछ भी हो जाए एक्स मैन अबे कुछ तो कर, वो तेरे को मार रहा है। अबे मेरे को मारता तू अभी अपनी कुल्हाड़ी से तेरा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं रैकेट मैन। अच्छा ले मैंने तेरी बैंड बजा दी। ओह नो ये तो बहुत ज्यादा गलत। ओ भाई साहब आ गया एक्स मैन वापस आ गया। अबे तू मरा क्यों नहीं? अच्छा तो तुझे क्या लगा मैंने एयरपोर्ट पे ऐसी कब्जा कर लिया, अपनी आर्मी ऐसी बना ली? ले अब तुझे बर्बाद कर गई। अरे मम्मी मुझे बचा लो, इसने मेरी बैंड बजा दी। भाई साहब लो यहाँ पर तो अच्छी खासी बैंड बज गई है ब्लैक फ्रैंकलिन की। खैर अब यहाँ पर एक काम करते हैं गाइस, हम आगे जाते हैं। अरे चुप रहिए फ्रैंकी भैया, मैं जाऊंगा। अरे सिंचन पागल है क्या, ब्लैक फ्रैंकलिन नहीं हरा पाया उसको तू क्या कर लेगा? मैं सुपर नाइफ मैन हूं, हां यहां पर अपने खतरनाक ब्लेड से और नाइफ से सबको फेंक फेंक के मारूंगा। सबसे पहले इसकी एक्स मैन की आर्मी को मारता हूं। लो सिंचन तो यहां पर एक बड़े से नाइफ को निकाल के इसकी आर्मी को पीट रहा है, लेकिन तेरा प्लान क्या है? मैं सबसे पहले ट्रेडमिल पे भागने की कोशिश करूंगा। अच्छा मारो मेरी आर्मी इसको। अरे हां बॉस अभी सुपर खतरनाक एक्सप्लोजन एक्स मैन मोड बना लेता हूं मैं अपना। व्हाट, अरे इसने अपनी कुल्हाड़ी की ब्लेड से इतनी बड़ी कैसे कर ली? ले 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 फ्रैंकलिन भैया बचाइए, आपके छोटे भाई को ये मार रहा है। देखो गाइस अब जाके इसको मेरी याद आ रही है और मैं उससे बोल रहा था इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है जब ब्लैक फ्रैंकलिन नहीं हरा पाया तो ये क्या कर लेगा भाई। मैं भी जाके एक्स मैन से क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं ले सकता, वरना ये भी भाई ऐसे खतरनाक सुपर जायंट ब्लेड निकाल के अपनी कुल्हाड़ी के मेरी बैंड बजा देगा। बट गाइस इससे पहले कि वो ट्रेडमिल यूज कर ले और ज्यादा मेरे को यहाँ पर उस ट्रेडमिल को यूज करना है। आइडिया, मैं तो
आइसक्रीम मैन हूँ। तो गाइस एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्यों ना आसपास के एयरपोर्ट के पूरे लैंड को बर्फ में बदल दें और इनको इतनी ठंड लगाए। अब बकवास बंद कर ले, मैं तेरी आइसक्रीम को पिघला दूंगा अपनी सुपर हॉट जायंट एक्स लेजर से। अरे बाप रे, नहीं ऐसा मत कर। ओ भाई साहब यार, लगता है मैंने गलती कर दी इसके साथ क्लोज जाके। तो मेरे पास भी नहीं आएगा तो मैं तेरे पास आकर तुझे मार दूंगा। ओ नो गाइस, मुझे इस आग से बचना पड़ेगा। बहुत हो गया दोस्तों, अब मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मैं यहाँ पर जल्दी से इस पूरे एयरपोर्ट को बर्फ में जमा लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने मेडिटेशन मोड में और यहाँ पर अपना ध्यान लाएंगे सुपर जायंट आइस फ्रीज मोड ऑन। अब कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जरा दोबारा देख एक बार। अब ये क्या कर दिया। वाह, अभी गाइस जो एयरपोर्ट है ना, पूरा एरिया एकदम ठंड में हो गया है, एकदम ठंड में। भाई देखो इसकी आर्मी तो यहाँ पे बर्फ में जम भी चुकी है, बेहोश हो चुकी है। बट इसको कुछ नहीं हो रहा क्या। यहाँ पर और मोड बढ़ा देता हूँ, ये ले 2x पे। भाई साहब 2x कर दिया है। अब ठंड लग रही है मुझे। क्या कर रहा है, मेरी कुल्हाड़ी भी जम जाएगी ठंड में और मेरी कुल्फी जम जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, जम गया। फाइनली गाइस यहाँ पर एक्स मैन भी पूरी तरह से अकड़ के भाई जम के जमीन पे पड़ चुका है। अब यहाँ पर जो ट्रेडमिल है वो मेरा है, उस ट्रेडमिल को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक काम करते हैं, जल्दी जाते हैं और ट्रेडमिल पे अपना साइज दुनिया का सबसे बड़ा वेरी जायंट टोटल जायंट आइसक्रीम मैन बनने में लगाते हैं। भागो 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 गाइस, आप लोग कमेंट में जल्दी आइसक्रीम मैन ओपी लिखो, जितना आप लिखेंगे उतने जल्दी मेरा साइज बढ़ेगा। कम ऑन गाइस, जल्दी लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कम ऑन, भागो 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 भागो। ओके, तो अभी मैं एक नई तरह का आइसक्रीम मैन बन गया हूँ जिसको कहते हैं फायर आइसक्रीम मैन। मतलब मैं फायर रेजिस्टेंस भी हो गया हूँ, मुझे आग से भी मेरी आइसक्रीम को कुछ नहीं होने वाला। बट गाइस मुझे अपना साइज अगर टाइटन लेवल पे करना है, हल्क को पीछे छोड़ना है, तो हल्क को ही रहना होगा। बिल्कुल बात क्या है, यहाँ पर हार्ट मैन और कप मैन भी आए हैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना है, क्योंकि सिंचैन और ब्लैक फ्रैंक डिफीट हो चुके हैं। कोई नहीं, मैं यहाँ पर फिर भी जीतूंगा। तो असल में ये जो हल्क है बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया, वो तो मुझे जब ही पता चल गया था जब इसने मुझे अपने गेम में फंसाया था। इसने टोनी स्टार्क को भी अपना गुलाम बना लिया है, उसको माइंड कंट्रोल करके ये अपनी आर्मी बनवा रहा है। व्हाट, अरे एक आर्केड मैन से इतनी परेशानी हो रही है और ये तो पूरी आर्मी बनवा रहा है। बिल्कुल बच्चे, और इसका प्लान है अपनी आर्मी को जॉइंट बनाने का, लेकिन कैसे बनाएगा, ट्रेडमिल तो है नहीं। वही तो दिक्कत है बच्चे, ट्रेडमिल है, इसने तुझे अवेंजर्स को बचाना है, टोनी स्टार्क को भी बचाना है और इस ट्रेडमिल पर अपना साइज बढ़ाना है। अगर ट्रेडमिल पर साइज बढ़ाओगे तो हल्क की कमजोरी पाओगे और हल्क को तुम हरा पाओगे। हल्क को कोई नहीं हरा सकता, हल्क सबसे बीस्ट है। हमारा दिल तो शैतान के पास भी होता है, ये तो फिर भी हल्क है। मैं इसका दिल तोड़ दूंगा और यहाँ पर ट्रेडमिल अपना लूंगा। हाँ, मजा ही आ जाएगी। सबसे पहले टोनी स्टार्क को रोकना पड़ेगा इन आर्केड मैन के सूट को बचाने के लिए। गाइस ये हार्ट मैन क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है। हाँ, हल्क बोलता है मार उसको, उसका दिल तोड़ दे। ये हल्क का दिल तोड़ना चाहता है। ले ले ले, मेरे बॉस का दिल तोड़ेगा। अब मार दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। लो गाइस, यहाँ पर हार्ट मैन चला था दूसरों के दिल तोड़ने, खुद ही के दिल टूटवा लिया इसने। अबे तुम कहाँ भाग रहे हो। ओ भाई साहब, अवेंजर्स भी पिट रहे हैं लगातार। गाइस अब तो जल्दी कुछ करना पड़ेगा। अरे कोई बचा लो यार, ये क्या हो रहा है। आ रहा हूं, रुको अवेंजर्स। ऑलराइट दोस्तों, मैं देखा जाए तो एक फायर आइसक्रीम मैन हूं, मतलब मैं फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर अवेंजर्स को बचाने के लिए इसकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करूंगा। हल्क फोड़ेगा, हल्क फ्रैंकलिन को भी नहीं छोड़ेगा। सुपर फायर आइस, ओके लेट्स गो। मैंने यहां पर फायर को आइस में कंबाइन किया और इनकी आर्मी को जलाने स्टार्ट किया, क्योंकि गाइस आर्मी को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था, क्योंकि ये आर्मी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी मुझे। अबे वाह फ्रैंकलिन, कमाल कर रहा है तू, जल्दी बैंड बजा इसकी, लास्ट वाले के बजा, मेरे हाथ नहीं रुकने हैं यहां पर। हल्क यहां पर तुझे सुपर पत्थर मारेगा। ओ बॉय सॉप, क्या जोर से मेरे हेड पे इसने पत्थर हिट किया है, मेरी तो हालत ढीली कर दी। अब क्या करेगा फ्रैंकलिन, तू हल्क के आर्केड गेम में फंस गया है फिर से। अरे यार नहीं, मुझे ये चॉइसों वाला गेम बिल्कुल नहीं पसंद भाई, लक पे बेस्ड होता है। अब क्या चूज करूं मैं, बहुत हो गया, अब मैं कुछ चूज नहीं करूंगा, ना ये फायर वाला दरवाजा यूज करूंगा, ना ये नॉर्मल दरवाजा यूज करूंगा। मैं यहां पर इन सभी डोर्स को डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन कैसे भाई, इसके गेम में मैं एक मिनट, इसके गेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे इसके गेम से भी बड़ा गेम खेलना पड़ेगा। गाइस आई नीड योर हेल्प, प्लीज जल्दी से कमेंट में 80 गेमर आप ओपी लिख दीजिए एक बार, उसके बाद हम यहां पर एक ऐसा सुपर आइस एंड फायर आइसक्रीम एक्सप्लोजन करेंगे कि इसका पूरा गेम ही ब्लास्ट हो जाएगा। ये ले, हल्का गेम डिस्ट्रॉय कर दिया। तुझे पता है हल्क ने कितने दिन में बनाया था, अब भी बताता हूं तेरे को। मुझे पता था गाइस, इस बार इसने गेम में मुझे ऐसी चॉइसेस दी थी कि मैं कुछ भी चूज करता मैं फंसता है, इसलिए मैंने गेम ही डिस्ट्रॉय कर दिया और ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके मैं भागे जा रहा हूं। रुक जा, हल्क तुझे फोड़ेगा। अब मैं नहीं रुकूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। ओके
जैसे ही मैं यहाँ पर ऑल फादर टाइटन आइसमैन बना, आइसक्रीम मैन बना, तब से भाई ये दुनिया बर्फ में जम गई है। मुझे जल्दी मौसम को कंट्रोल में लाने के लिए फ्रीज अटैक मोड ऑन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा गाइस, दुनिया की जितनी भी ठंड होगी वो हल्क को लग जाएगी, उसके बाद हल्क यहाँ पर जम जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा हल्क को ठंड लग रही है। अच्छा हल्क को ठंड लग रही है तो चुपचाप सूट से बाहर निकल। ठीक है, हल्क हार मानता है। फाइनली गाइस हल्क ने हार मान लिया। अब जल्दी से इस दुनिया के टेम्परेचर को मैं कंट्रोल में आता हूँ। तब तक आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।